आज हम न्यू रेसिपी बनाएंगे पनीरी गट्टे। खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं, चलिए बनाते हैं। एक प्याज, दो टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर हम इसे रेडी करेंगे। सॉफ्ट पनीर या छन्ना आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 बाउल छन्ना लेंगे, 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून कोल्ड मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मथते हुए हम सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। एक टोपिया में पानी बॉईल होने के लिए रखेंगे। हम अपनी इच्छा के अनुसार इसे शेप या आकृति दे सकते हैं। मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी किए हैं। पानी में बॉईल आ चुका है, अब हम सभी बॉल्स को एक एक करके पानी में डालेंगे। सभी गट्टे पकने के बाद पानी के ऊपर की तरफ तैरने लग जाएंगे। 5 मिनट पकने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। टोटल ये 5 या 7 मिनट में पककर रेडी हो जाते हैं। गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, तेजपत्ता ऐड करेंगे, 2 ड्राई लाल मिर्च डिवाइड करके हम इसमें ऐड करेंगे, ग्रेवी ऐड करेंगे, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ग्रेवी को हम जब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल नहीं दिखने लग जाए। देखिए ऑयल दिखने लग गया है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 3/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट हम इसे अच्छे से पकाएंगे। जिस पानी में हमने बॉल्स को बॉईल किया था उस पानी को हमें गिराना नहीं है, वह पानी ऊपर का निकाल कर नीचे का पानी हम इसमें ऐड करेंगे। आवश्यकता के अनुसार ही हमें इसमें पानी ऐड करना है। अच्छे से बॉईल आने के बाद सभी बॉल्स को हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, अमचूर पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। जिस हिसाब से हमें खटाई चाहिए उसी हिसाब से ही हम अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, कसूरी मेथी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से बॉईल आने के बाद सब्जी रेडी है। देखिए लुकवाइज देखने में कितनी यमी और टेस्टी सब्जी लग रही है, खाने में भी उतनी टेस्टी सब्जी है। आप ट्राई करके ज़रूर देखें, न्यू रेसिपी है। गरम गरम पनीरी गट्टे की सब्जी रेडी है। इसमें हम धनिया पत्ती कसूरी मेथी से गार्निश करेंगे। नान, तंदूरी रोटी, चपाती, पराठा किसी के भी साथ हम इसके टेस्ट का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू।